नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सैनी और आज की जो ये वीडियो है हमने उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बनाई है जो अपनी क्लिनिक की ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और अभी कंप्लीट किया है। PHMS रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक ओपन कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें हमारे 12 साल का अनुभव हम बताएंगे आपको कि क्लिनिक खोलते वक्त किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब आप क्लिनिक खोलें सबसे पहले तो ये है कि आप अपना रेंट एग्रीमेंट अवश्य बनवाएं। जो भी आपकी दुकान मकान जिसमें भी आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं उसमें रेंट एग्रीमेंट जरूर कराएं। ऐसा भी होता है कि बहुत से दुकान मालिक जो होते हैं वो बड़े ही लालची किस्म के होते हैं। जब आपका क्लिनिक चल जाता है तो वो आपको बिना बताए निकाल देते हैं कि ये हमारे स्पेस को आप खाली कीजिए, और या फिर वो डिमांड करते हैं कि हम अपना किराया बढ़ा रहे हैं। तो विशेष ख्याल रखें, रेंट एग्रीमेंट आप 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल तक जरूर कराएं। उसके बाद जो आपका रेंट एग्रीमेंट हो जाए आपका दूसरी चीज़ होती है अपने आपको DHO ऑफिस में एक रजिस्टर्ड कराना, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है दोस्तों। अब ये तो कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आप अपने जो क्लिनिक खोल रहे हैं उसको किस सुविधा के हिसाब से आपको क्या क्या आपको वहाँ इक्विपमेंट और अदर चीज़ें आपको वहाँ फर्नीचर वगैरह खरीदना रहता है। तो उसको जब आप इस क्लिनिक आप ओपन करते हैं तो जनरली क्या होता है, या तो बहुत छोटी दुकान होती है, बहुत स्पेस बहुत छोटा होता है कि स्पेस ऐसा है कि 10 फीट का फ्रंट है और 10 फीट की चौड़ाई है। कोई कोई दुकान जो स्पेस होता है वो इतना होता है कि उसका 15-16 फीट का फ्रंट होता है और लगभग 20-25 फीट की गहराई होती है। तो जो बड़ी दुकानें होती हैं बहुत आइडल होती हैं और आपको कोशिश करें कि आप बड़ा स्पेस लें। थोड़ा आपको शुरुआत में किराया महंगा पड़ेगा लेकिन वो आगे जाके कन्वीनियंट होता है। जब प्रैक्टिस बढ़ जाती है, नंबर ऑफ पेशेंट हो जाते हैं, दवाई आपको रखनी पड़ती है, एक दो सप्ताह आपको दूसरे अपने रखना पड़े या फिर एक आध आपको कंपाउंडर वहाँ रखना पड़े तो ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक वेटिंग एरिया बना दें अलग, फिर आप अपना चैम्बर बना लें मरीज़ देखने का, एक आपका दवाई का अलग हो जाए। तो ये बहुत आइडल एक तरह से एक व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है। अब दोस्तों अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आपको छोटी उसमें ही संतोष करना पड़ेगा कि भाई जगह ज़्यादा नहीं है और क्लिनिक खोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कम स्पेस में भी काम चला सकते हैं। होम्योपैथिक में आपको ज़्यादा स्पेस की जरूरत भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने अपने खुद के होम टाउन में क्लिनिक खुला था तो बहुत छोटा सा स्पेस था और 2012-13 की बात है, उसका किराया मात्र 1500 रुपये किराया था। चूँकि स्टार्टिंग में पेशेंट नहीं होता तो लोड भी नहीं पड़ता, 1500 किराया महीने का निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपका वहीं मरीज बैठेगा, वहीं आप भी बैठेंगे, वहीं आपकी दवाई भी रहेगी। थोड़ा सा मरीज की सुविधा के अनुसार सुविधाजनक वो नहीं लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा स्पेस ले सकते हैं, आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा दम दिखाकर ज़्यादा स्पेस लें। और दोस्तों मेरा एक और इसमें स्पेस लेते वक्त एक मेरा खुद का अनुभव ये है कि कभी भी आप जब क्लिनिक के लिए स्पेस दें तो अधिकतर जो बड़े शहरों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, बेसमेंट भी होता है और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। क्लिनिक कोशिश करें आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही लें। क्लिनिक कभी बेसमेंट में नहीं लेना चाहिए, क्लिनिक कभी फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं लेना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पर ही रहें, कॉम्प्लेक्स में ना लें। आप अदर जो लोकल मार्केट होती है वहाँ आप स्पेस देख सकते हैं। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब भी स्पेस लें वो नज़दीकी आपका रेलवे स्टेशन हो, नज़दीकी बस स्टेशन बस स्टैंड हो, रोडवेज स्टैंड हो। ये क्या होता है कि वहाँ पर होने से जो मरीज की जो रीच होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप फेमस हो जाते हैं और इसमें आपको ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक होता है कि आपने मेन रोड पर ले लिया है क्लिनिक, थोड़ा महंगा है लेकिन मेन रोड पर लिया है क्लिनिक, तो निकलते बढ़ते रोड पर चलते लोग राहगीर जो होते हैं वो आपकी बोर्ड पर नज़र जरूर मारते हैं, और उससे भी आपका एक फ्री का जो प्रचार होता है। और एक होता है दोस्तों कि आपने किसी कॉलोनी में अपना लिया है, कॉलोनी बहुत बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी है, वहाँ आपने अपना क्लिनिक लिया है, तो वो भी अच्छी बात है। कभी कभी लोग नई कॉलोनी में लेते हैं, वहाँ पर पुराने डॉक्टर से हम पास डॉक्टर बहुत कम होते हैं, तो वहाँ भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की मिलती है। एक कंडीशन होती है दोस्तों कि आपने किसी ऐसी मार्केट में अपनी शॉप ली है कि वहाँ पर क्या है कि 8-10 गाँव का रास्ता निकलता है जाता है, और वहाँ काफ़ी बड़ा वो कमर्शियल एरिया बन जाता है, बाज़ार बन जाता है। अक्सर देहातों में इस तरह का होता है कि एक रोड होता है, एक स्टैंड टाइप का होता है, बाज़ार होता है, वहाँ बाज़ार लगता है, वो जो एरिया जो होता है वो कम से कम 15-20 गांव के लिए रास्ता होता है, तो वहाँ पे आपके जो ज़्यादातर मरीज बनेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र देहात के क्षेत्र में ही बनते हैं। तो ऐसी जगह भी अगर आपकी है तो भी वो बहुत अच्छी स्पेस है दोस्तों। ग्रामीण लोगों में भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा एक प्रचार हो रहा है, होम्योपैथी में ग्रामीण लोग बहुत अच्छा अपना विश्वास जता रहे हैं और इलाज लेते हैं। तो आपको ऐसा भी मिल रहा है, कम रेंट का मिल रहा है, बड़ी स्पेस मिल रही है, तो बिल्कुल ना चुके हैं उसको जरूर लें दोस्तों। और ये मैंने कुछ स्पेस के बारे में बात बताई। फिर एक ये भी होना चाहिए कि आपके क्लिनिक के आसपास सार्वजनिक शौचालय या फिर जो मार्केट है उसमें टॉयलेट वगैरह पब्लिक यूटिलिटी हो, ताकि मरीज जो बैठे हुए अगर उन्हें किसी भी तरह की यूरिनल की आवश्यकता पड़े तो वहाँ जा सकें। ये कुछ कॉमन बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब आपके क्लिनिक के अंदर क्या क्या चाहिए दोस्तों? अब दोस्तों कॉमन सी चीज़ है कि भाई आपको कुछ फर्नीचर तो बेसिक फर्नीचर होते हैं, जैसे कि टेबल। टेबल का साइज जो रखें आप अपने स्पेस के हिसाब से रखें। स्पेस कम है तो छोटी टेबल में काम चलाएं, स्पेस बहुत बड़ा है तो टेबल बड़ा ज़रूर रखें, क्योंकि बड़े स्पेस में टेबल अगर आप छोटी रख लेंगे तो वो एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अब बड़े स्पेस में आपने चैम्बर बनाए तो चैम्बर के हिसाब से आप अपने टेबल को एडजस्ट करें। इसमें साइज़ ज़रूर आप देखें कि आपका साइज क्लिनिक के हिसाब से जो टेबल का साइज है कैसा होना चाहिए। टेबल के साइज के हिसाब से ही आपके अगर आपका आपकी पर्सनैलिटी भी खूब आप बहुत लंबे हैं खूब, तो उसके हिसाब से भी आप देखिए बहुत ज़्यादा टेबल मत छोटी मत रखिए। और एक चीज़ होती है आपकी चेयर, जो डॉक्टर्स की चेयर है वो भी आपके साइज के हिसाब से कम्फर्टेबल होनी चाहिए। डॉक्टर्स टेबल अलग आती हैं ताकि आपको बैक वगैरह की दिक्कत ना हो। जो ऑफिस चेयर्स होती है इससे एक एक्सेलेंट वेराइटी की आ रही है। और ये डॉक्टर टेबल और आपकी चेयर के बाद में डॉक्टर चेयर के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी पेशेंट के स्टूल की। पेशेंट के स्टूल काफ़ी तरह के आजकल आ रहे हैं, उसमें कुछ सॉकर वाले भी आ रहे हैं और काफ़ी तरह के पेशेंट के लिए स्टूल आ रहे हैं। रिवॉल्विंग भी आती हैं कुछ, वो स्टूल जो होते हैं पेशेंट वाला वो रिवॉल्व करता है। और फिर जो पेशेंट के साथ जो एक या दो अटेंडेंट आते हैं उनके लिए आप ज़रूर चेयर रखें, उनके लिए चेयर रखें ताकि उनको बैठने में सुविधाजनक लगे। अब इसके बाद दोस्तों कुछ होता है कि आपकी जो टेबल पर क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो दोस्तों सबको पता है कि जब आप बैठे हैं तो आपको बीपी अपरेटस चाहिए चाहिए। बीपी अपरेटस अच्छी कंपनी का लें, कोशिश करें कि आप मरकरी का बीपी अपरेटस इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट आपको पता चलेगा। अब डिजिटल भी आप ले सकते हैं ज़्यादा अगर कम मेहनत करनी है तो। दूसरा स्टेथोस्कोप अच्छी कंपनी का ही लें, डॉक्टर्स का आप स्टेथोस्कोप लें ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। टॉर्च आप जरूर लीजिए, टॉर्च बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ईएनटी के केसेस में आई में आपको टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। ईएनटी सेट जरूर लें आप, ईएनटी सेट की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत से ईएनटी के पेशेंट आते हैं, ओटाइटिस मीडिया के पेशेंट आते हैं, तो ईएनटी सेट बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ वेइंग स्केल होना चाहिए आपके पास। बच्चों का एक खास आता है बच्चों का वेइंग स्केल लें, बच्चों की हाइट मेज़र के लिए मीटर स्केल आते हैं वो लीजिए, हाइट मीटर लीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर भी रख सकते हैं, बहुत से टीवी के पेशेंट या फिर अस्थमेटिक पेशेंट आते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर आप रखें। और चूँकि आज के जानते हैं इन्फेक्शन और कोरोना में, तो सभी जानते हैं कि भाई एक हैंड सैनिटाइज़र आपके टेबल पर होना ही चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आप
पल्स ऑक्सीमीटर हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ आपको हमेशा रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। रिस्ट वॉच बहुत जरूरी होता है, एज ए प्रोफेशनल आपका जो लुक है एक डॉक्टर से लुक के लिए रिस्ट वॉच जरूरी है। और पेपर वेट, अगर आप अपने जो प्रिसीजन पैड होता है वो उड़ता है हवा में तो पेपर वेट जरूर रखिए अच्छी क्वालिटी का। और टॉवल रखें अपने केबिन में, टॉवल रखें और अपने केबिन को कर्टन से जरूर सुसज्जित रखें दोस्तों। और मेडिसिन, जहाँ तक आपका अगर मेडिसिन की बात है तो मेडिसिन फुल रेंज की मेडिसिन आप रखें। अगर आप BHMS या क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, MD कर रखे आपने, तो आपको मेडिसिन की फुल रेंज आपके पास होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप साइज 30 ml लें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि आप 100 ml लेना अवॉइड करें। अधिकतर 200 पोटेंसी और 1 ml जो पोटेंसी होती है वो केवल 30 ml या आप वो 10 ml वाला रखिए, वो जरूरी बहुत ज़रूरी है। 100 ml वाला आप ना रखें, उसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट है तो आप 100 वाला भी रख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपका मेडिसिन का फर्नीचर जो होता है वो इस तरह से रखें कि मेडिसिन आप स्टेप बाय स्टेप उस पर रख सकें, वो थोड़ा रखने में, दवाइयों को रखने में, डाइल्यूशन को रखने में बहुत अच्छा कन्वीनियंस होता है उसमें। प्रिस्क्रिप्शन पैड, मैंने एक वीडियो बनाई है कि प्रिस्क्रिप्शन पैड आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में पेशेंट 15-20 काफ़ी दिनों, मतलब उसका 1 महीने 2 महीने 5-5 महीने साल भर भी इलाज चलता है, तो इस तरह का एक ही बुकलेट बनवाएं और वो बुकलेट जो होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। एक सुंदर सा पेन स्टैंड रखें दोस्तों। और बेहतर आप और अच्छा चाहते हैं तो आप मरीज की सुविधा के लिए ग्लूकोमीटर, नेबुलाइजर और हीमोग्लोबिनोमीटर भी आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों ये तो डॉक्टर की चेकअप में क्या क्या होना चाहिए उसकी बात करिए। अगर आप वेटिंग एरिया बना रहे हैं पेशेंट के लिए, आप चाहते हैं कि पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट है और पेशेंट अलग बैठे हैं और जिसको आप देख रहे हैं वही आपके केबिन में हो, तो इसके लिए वेटिंग फर्नीचर आप रखें अच्छी क्वालिटी का, कुशन वगैरह हो उस पर। और साथ ही साथ वहाँ एक पेशेंट के लिए जो वेटिंग एरिया में एक छोटा सा टेबल रखवाएं, उस पर कुछ बुकलेट्स, मैगजीन, होम्योपैथी से जुड़ी हुई मैगजीन या फिर अदर जो लेटेस्ट जो लिटरेचर होता है मेडिकल साइंस का, वो आप वहाँ रख सकते हैं। मेडिकल बुलेटिन आते हैं काफ़ी, वो रख सकते हैं। LCD या TV आप वहाँ लगवा सकते हैं। एक वहाँ पर दीवार पर वॉच जरूर रखवाएं। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वहाँ जरूर रखें दोस्तों, ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं। और कुछ वहाँ डिस्प्ले में आप लगा सकते हैं कुछ स्लोगन्स टाइप के या होम्योपैथी से जुड़े हुए, वो अच्छा लगेगा। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या आप वहाँ लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोस्टर वगैरह बैनर लगाने से आप बचें, उसको एक बार्बर की दुकान बनाने से बचना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आप अपने केबिन में अपनी जो डिग्री है उसकी कलर फोटोकॉपी कराकर या फिर आपका जो और रजिस्ट्रेशन है अदर्स जो एकेडमिक के आपकी जो भी सेमिनार वगैरह हुए हैं या आपको अन्य कोई सर्टिफिकेट मिला हो, उन सबका आप ओरिजिनल ना लगाएं बल्कि कलर फोटोशूट करा के और उनको फ्रेम में लगवा कर आप उनको वहाँ टांग सकते हैं। और दोस्तों अगर वाशरूम की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, अपने चैम्बर में आप एक्सरे बॉक्स भी लगवा सकते हैं। और अगर आपका विजिट अलाउ करता है, साथ ही साथ आप रिसेप्शनिस्ट की व्यवस्था और एक फार्मासिस्ट भी वहाँ पर रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें दोस्तों जो मैंने बताई। और अल्टीमेटली वही होता है कि आप अपने क्लिनिक पर कितनी सुविधा देना चाहें, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है। अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ दोस्तों, मैं अपना क्लिनिक आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें छोटा सा क्लिनिक है, चूँकि मैं NHM में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ, फिर शाम को केवल 2-2.5 घंटे के लिए मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा जो स्पेस है बहुत छोटा स्पेस है। मेरे जो क्लिनिक है उसकी चौड़ाई लगभग 5.5 फीट की चौड़ाई है, लंबा है और 25-30 फीट, ये 25 फीट लगभग गहराई है इसकी। तो मैंने आगे के पोर्शन में अपना वेटिंग एरिया बना रखा है, बीच में मैंने अपने चैम्बर बना रखा है, पीछे की तरफ मैंने अपनी मेडिसिन रख रखी है। चूँकि 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है तो उसमें मैं खुद ही अपनी मेडिसिन डिस्पेंस करता हूँ। और मेरा जो क्लिनिक है वो ऑन रोड, यानी कि सिटी के जब मेन रोड होता है, ओल्ड तहसील रोड कहते हैं, यहाँ पर सिचुएटेड है। लगभग 50 फीट चौड़ा ये रोड है, इसमें आदमी
अपनी वाहन से भी आ सकता है, गाड़ी से आ सकता है, बाइक से आ सकता है, जैसे चाहे वो आ सकता है। ऑन रोड क्लिनिक है, आने जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। पेशेंट कहीं से भी आएगा, रोडवेज बस स्टैंड मेरे क्लिनिक से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन भी लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है मेरी क्लिनिक की। और जो मेरा मरीज है वो अगर अपनी किसी टेम्पो या ई रिक्शा से आ रहा है तो भी वो मेरे क्लिनिक के सामने ही उतरेगा। हर तरह का वाहन की सुविधा मेरे क्लिनिक के लिए उपलब्ध है दोस्तों। तो अगर मैं आपको अपना क्लिनिक दिखाऊं, देखिए दोस्तों छोटा सा क्लिनिक है और मैं दिखाता हूं, ये तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे क्लिनिक का वेटिंग एरिया है। ये एक सेटी रफा रखी हमने, ये बाहर शीशा है और हमारे क्लिनिक का व्यूज़ आप देख सकते हैं। मेन रोड है और यहाँ पर बस वगैरह ट्रक वगैरह सभी चलते हैं। और ये अब आ जाते हैं हम अंदर की तरफ। ये कुछ हमने यहाँ पर अपने शील्ड वगैरह और जो अपने जो आदि फ्रेमवर्क लगवा रखा है, ये हमारा वेटिंग एरिया है। इसके बाद हम अंदर आते हैं। तो ये मेरा चैम्बर है और कुछ हमने यहाँ अपना, ये एक हमारी अलमारी है, इसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं, डॉक्यूमेंट, बुक्स और कुछ दवाई वगैरह हम रखते हैं। ये चेयर क्योंकि कम स्पेस है, चौड़ाई बहुत कम है, गहरी जबकि काफ़ी है, तो उसी हिसाब से हमने अपना मैनेज कर रखा है। ये हमारा डिस्पेंसरी वाला पोर्शन है और आप देख रखे हैं फर्नीचर में दवाइयाँ लगी हुई हैं। ये हमारी डाइल्यूशन की रैक है और ये मेडिसिन की रैक है और ये सब हमारा व्यवस्था हमने कर रखी है। ये साथ ही साथ पेशेंट को एग्जाम करना अगर पड़ता है तो उसके लिए भी हमने टेबल कर रखा दोस्तों, एग्जामिनेशन टेबल भी डाल रखा। तो ये हमारी क्लिनिक है और क्लिनिक आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए जय हिंद।